तो दोस्तों आ गई हमारी 13409 क्यू इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेस जो हमें ले जाएगी जमालपुर। तो दोस्तों ये है जमालपुर सुरंग जो कि अभी हाल ही में बना है और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, मैं सब कुछ बताऊंगा कि मैं मुंगेर क्यों जा रहा हूं और किस काम से जा रहा हूं। तो बिल्कुल पूरे वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। चलिए स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग दोस्तों। अभी हम हैं जमालपुर स्टेशन पर और अभी हम दोस्तों यहाँ से चलेंगे मुंगेर और वहाँ से जाना है मुंगेर आश्रम। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं मुंगेर आश्रम दोस्तों। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा, चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और अभी हम लोग ये टेम्पू लेकर के जा रहे हैं मुंगेर और वहाँ से चलेंगे मुंगेर आश्रम। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, काफ़ी धूप है यहाँ पर। सरदार पटेल चौक है ये मुंगेर का, ये देखिए यहाँ पर बैनर गिला हुआ है। तो दोस्तों चलेंगे अभी एक होटल करेंगे और अभी हम लोग को 3 बजे जाना है मुंगेर आश्रम स्वामी जी से मिलने के लिए। दोस्तों आपको बताते हैं कि मुंगेर के चौक चौराहे इतने चौड़ी चौड़ी क्यों हैं, क्योंकि 1937 में एक भूकंप आया था और उस भूकंप में मुंगेर सब तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। तो उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ की जो सड़कें हैं और जो गलियाँ हैं बिल्कुल चौड़ी चौड़ी बनाई हैं और आप यहाँ जहाँ पर भी घूमेंगे, किसी भी बाज़ार में जाएंगे तो आपको चौराहे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और सड़कें चौड़ी चौड़ी नज़र आएंगे दोस्तों। यही खास बात है यहाँ की सड़कें और चौराहों में। दोस्तों यही है होटल राजहंस, आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों इतनी गर्मी है यहाँ पर मुंगेर में और अभी हम लोग होटल राजहंस में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर आने के बाद कितनी शांति है, कितना सुकून है, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। काफ़ी ढूंढने के बाद ये होटल मिला है दोस्तों और अब इसमें हम लोग आराम करेंगे और 3 बजे निकलेंगे अपने आश्रम की तरफ मुंगेर आश्रम में, फिर वहीं पर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक ब्लॉग में बनी रहिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग पहाड़ वाली चाय का मज़ा लेते हुए, मेरे भांजे हैं, मेरी भांजी हैं और वहाँ मेरे बहनोई खड़े हुए हैं, मेरे बहनोई वहाँ पर हैं और भांजे भांजे यहाँ पर हैं। यह है तेजस्वी और यह है दिव्या। मस्त चाय, चाय कैसे लगता है? यही किला है और इसी किला के अंदर से हम लोग चलेंगे मुंगेर आश्रम में दोस्तों। तो देख लीजिए ये कितना पुराना किला है, इसका नाम है घंटाघर टावर। आपको बता दें कि यह मीर कासिम द्वारा बनाया गया भव्य किला है और इसके चारों तरफ गहरी खाइयां हैं और इसमें गंगा नदी का पानी भरा रहता है ताकि कोई आक्रमणकारी आक्रमण न कर सके। और इस किले के अंदर ही मुंगेर आश्रम, कलेक्ट्रेट, जेल, बंधु फैक्ट्री आदि है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग संन्यास पीठ मुंगेर आश्रम में पहुंच गए हैं और देखिए सामने में एंट्री मिलने वाली है
सामने में आपको एंट्री मिलेगी सन्यास पीठ का। तो चलिए चलते हैं दोस्त, तो चलिए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। आइए हमारे साथ ले दे। यह मुंगेर आश्रम के बाहर का कैंपस है। आज की जो कथा है वो संपन्न हो गई है और आपको बता रहे हैं कि कल जो है गुरु पूर्णिमा है और कल हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच जाएंगे 8:30 बजे। 8:30 से लेकर 11 बजे। तो देखिए ये है मार्गन आर्म्स कंपनी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार के गन्स मिलते हैं, बंदूक राइफल रिवॉल्वर सब कुछ मिलता है। आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। दोस्तों शाम के समय हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए हमारे स्ट्रीट स्नैक में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है।
तो दोस्तों ये है मुंगेर जिला में स्थापित बिहार स्कूल ऑफ योगा, दुनिया का पहला योग विद्यालय है। योग को आगे बढ़ाने के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा का योगदान काफ़ी अहम है। इसकी स्थापना साल 1964 में स्वामी सरस्वती ने गंगा नदी के मनोरम तट पर की थी। उनका सपना जन जन तक योग को पहुँचाना था और आज बिहार स्कूल ऑफ योगा दुनिया का पहला योग विद्यालय माना जाता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने लगभग 300 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जिनमें योग के सिद्धांत कम और प्रयोग ज़्यादा हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा ने भी यही सिखाया जा रहा है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने लोगों को संदेश दिया कि योग जीने की कला है, जीवन पद्धति है, जीवन का विज्ञान है। 25 दिसंबर 1923 को अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 5 दिसंबर 2009 में रिखिया में परम समाधि ली थी। आज दुनिया के नक्शे पर यह गांव रिखिया पीठ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग जा रहे हैं मुंगेर आश्रम और सभी लोग तैयार हो गए हैं। और अभी देखिए रूम में सुबह के बज रहे हैं, सुबह के टाइम हो रहे हैं 6:30 और हम लोग सब तैयार हो गए हैं, नहा धोवा लिए हैं और दिव्या भी देखिए तैयार हो रही है और सब हम लोग अब बस 5 मिनट के अंदर अंदर निकलेंगे, नीचे जाएंगे और चाय वाय पी करके उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मुंगेर आश्रम। वैसे वहाँ पहुँचने का टाइम 8:30 है लेकिन अब लोग थोड़ी देर में रूम को छोड़ देंगे। सुबह 7:45 हम लोग जा रहे हैं दुखहरणी घाट। चलिए चलते हैं और घाट के दर्शन करवाते हैं आपको दुखहरणी घाट के। पूजा पाठ के नाश्ता करेगा अब 11 बजे उठने के बाद आप खाएंगे। थे पहले लेकिन सीट आपको मिला दोस्तों। मैं बात कर रहा था रिखिया पीठ के बारे में, तो झारखंड के देवघर में स्थित रिखिया पीठ से दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ योग, तप, साधना, सेवा, संस्कार, सरोकार और शांति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। स्वामी सत्यानंद की शिष्य स्वामी सत्संगी कर रही हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा की बात करें तो सत्यानंद के शिष्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के पास हैं। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने न सिर्फ
भारत बल्कि दुनिया भर के योग का प्रचार प्रसार किया। बिहार स्कूल ऑफ योगा ने योग शिक्षा से जुड़े पूरे विश्व भर में खास पहचान बनाई है और दुनिया भर के 70 देशों में बिहार स्कूल ऑफ योगा की शाखाएं। मुंगेर आश्रम के बिल्कुल बगल में कष्टहरनी घाट और यहां से देखिए हम लोग चल रहे हैं कष्टहरनी घाट। और चलिए अब घाट पर चलते हैं, यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पूजा की सारी सामग्री आप ले सकते हैं यहाँ से। और चलिए आगे चलते हैं। आज है वैशाख पूर्णिमा दोस्तों, और आज के दिन गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है। तो चलिए इस छोटे से द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। और ये श्री राम जी का मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस घाट पर कितना भीड़ है कठहरनी घाट पर। और आज वैशाख पूर्णिमा के दिन भक्तों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों कष्टहरनी घाट बहुत ही खतरनाक घाटों में से एक है और यहाँ को पर प्रशासन को कड़ी की व्यवस्था देनी चाहिए ताकि लोग कड़ी पकड़ कर आसानी से नहा सकें, नहीं तो लोगों के डूबने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और इस समय जुलाई अगस्त के समय यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि डूबने का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। तो प्रशासन को कड़ी की व्यवस्था जरूर करनी। देखा दोस्तों आपने ये कष्टहरनी घाट को। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से आपके सारे कष्ट जो है दूर हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं कठहरनी घाट पर कितना भीड़ है और लोग उसमें यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, माता के दर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग जा रहे हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए। वैदिक मंत्रों से संपन्न हुई
भवन का कार्यक्रम भी हुआ है। इसमें गुरु के नामों से होटल वैष्णवी में आ गए हैं अभी हम लोग खाना खाने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। है जगह यहाँ तीन आदमी हो जाएगा। अरे भाई तो ये तो खूब उधर की है। हाँ खूब दौड़ी दौड़ दौड़ करके प्रसाद लाती थी ना। हम तो डर लग रहा था कहीं हेरा हुआ नहीं जाए। हाँ हाँ बहुत थक गई है एकदम। बाप रे दौड़ दौड़ करके भी थक गई है। गुरु पूर्णिमा के समापन के बाद हम लोग पहुंच गए हैं इस होटल में और बहुत ज़ोरदार की भूख लग गई है और अभी बज रहे हैं 12:30 और अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर मुझे ट्रेन भी पकड़ना है दोस्तों। वक्त है जमालपुर स्टेशन को विदा कहने का। तो जो भी दोस्त हमारे जमालपुर से हैं कृपया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ देखिए यहाँ पर एक लोकोमोटिव लगी हुई है, काफ़ी नई नवेली लग रही है, इंडियन रेलवेज। और अगर आपने यहाँ तक हमारे इस वीडियो को देखा है तो इसे कृपया करके लाइक करें और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों जमालपुर स्टेशन से हमारी ट्रेन खुल रही है और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ये बेल आइकन को दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक पर। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।